हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये मेरे पास होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है और इसके अंदर नो साउंड की प्रॉब्लम है। भाई नो साउंड है तो ऐसा नहीं होता कि हर बार आईसी खराब हो या हर बार वॉल्यूम खराब हो या हर बार वायरिंग खराब हो या कुछ और हो, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कंपनी का होम थिएटर है, कोई लोकल होम थिएटर नहीं है। जेब्रोनी का ओरिजिनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से। ये है आपका फील BTR-USF 4.1, ठीक है, इसका ये मॉडल नंबर है फील BTR-USF, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी जो 60 वाट का सबवूफर है और 20 वाट प्लस 10 वाट, ये हमारे मतलब 10 10 वाट के ये हैं इसमें, ठीक है। अब इसको हमें रिपेयर करना है, इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं है, ना तो ये सेटेलाइट का स्पीकर होगा और ना ही इसके बेस का। मेन तो पहले बेस नहीं बज रहा, बेस देखेंगे, सेटेलाइट बाद में देखेंगे, पहले बेस है। तो चलिए आपको पहले चेक करा देते हैं। पहले इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए सेट को देखो, मैं पहले बंद कर देता हूँ। देखो बंद हो गया सेट, मैंने वहां से बंद कर दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन होने के बाद यहाँ पे इसमें क्या है कि ब्लू लाइट आ गई। ब्लू लाइट आ गई तो पहले एक बार देखेंगे, शायद ये ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ ये ऑन हो गया है, ठीक है। अब एक बार हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे, शायद इसका ब्लूटूथ का कनेक्शन आ जाएगा। जैबरोनिक के नाम से, जैब लार्क। पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैब फील के नाम से कनेक्ट हो गया और हमने NCS का एक सॉन्ग भी प्ले कर रखा है और आवाज़ भी बिल्कुल फुल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। देखो भाई बेस यहाँ है तो बेस में से साउंड तो कुछ तो आना चाहिए था, कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार इसे खोल लेते हैं, चलते चलते खोलते हैं इसको, ठीक है। वीडियो का अंत तक बने रहना, मशीन दो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, जिसमें कंपनी के सेट आते हैं रिपेयर होने खासकर। तो एक बार हम इसको देख लेंगे ये मशीन। चलो हम इसे खोल लेंगे, ठीक है। अब कंपनी के जो सेट होते हैं ना, ये सारे ज़्यादातर SMD बेस होते हैं। किसी में सप्लाई भी होती है, किसी में ट्रांसफार्मर होता है। जिस हिसाब से इसमें वेट लग रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर हो, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सप्लाई हो, ठीक है। सप्लाई लगी हुई है तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और सर्किट कैसा है, डिजाइनिंग कैसी है, क्या हो रहा होगा, कस्टमर ने कहीं दिखाया नहीं दिखाया अभी, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं पास आया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अभी जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये रख दिए पेच। तो सर्किट को कर लेंगे वो। तो सर्किट तो बहुत छोटा सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सर्किट बहुत छोटा सा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सप्लाई है इतने सेक्शन में। तो लाइट फिल करना, देख सकते हैं इतने सेक्शन में ये सप्लाई है और यहाँ पे दो IC लगी हुई है। जो ये IC है इस तरह की, ये 20-25 IC होती हैं और यहाँ पे देखेंगे कि IC पे छेड़ा हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं IC पे कोई भी काम नहीं हुआ हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कोई साउंड भी नहीं है, ठीक है। सरसराहट का जो साउंड आता है वो भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार हमें जो है स्पीकर को चेक करना है सबवूफर। जो यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम अपने मल्टीमीटर को लेंगे और इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे। तो एक बार हम ओम्स में रीडिंग नाप लेंगे कितनी आ रही है, हमारा मीटर ऑटोमेटिक है, डायग्नोसिस कर लेगा। तो यहाँ पे 6.8 ओम आ रही है जो कि अब हमारे स्पीकर के लिए बिल्कुल सफिशेंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों, अब हमें देखनी पड़ेगी जो कनेक्टर लगा करके, ठीक है, इसकी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन पे हाथ लगा के देखेंगे। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो इसकी IC है वो इस वाली है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब हमें वोल्टेज कैलकुलेशन करनी होगी कि इसकी वोल्टेज जो है वो बढ़िया आ रही है नहीं आ रही है सर्किट तक, ये देखो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन कैपेसिटर, इस पे वोल्टेज कितनी है। तो यहाँ पे 11.52 वोल्टेज है जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप देख सकते हैं मीटर में भी, ठीक है। और यही वोल्टेज हमारे दोस्तों IC पे जाती हैं, ठीक है, यही वोल्टेज IC पे जाती है। IC पे जाने के बाद दोस्तों हमारा कहाँ पे जाती है, सीधा 7805 रेगुलेटर पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे
तो आईसी पे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो प्रॉब्लम दोस्तों हमारी आईसी के अंदर हो सकती है, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम जो ये कार्ड के जो कनेक्शन है ये हटाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है अगर म्यूट वाली पिन लगी होगी तो पता लग जाएगा। एक कार्ड कनेक्शन हटा लिए, अब एक बार चेक करेंगे, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो हमारी आईसी की है, तो चलिए अब जल्दी से इस आईसी को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि आईसी को निकालना सोल्डिंग करना तो हर कोई जानता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्डिंग तो हमने साफ़ कर ली आईसी, लेकिन अभी हमने निकाली नहीं है इसलिए नहीं निकाली, आपको भी नंबर पता लगना चाहिए, आपको भी दिखनी चाहिए। तो यहाँ से इसका कनेक्टर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आईसी हमने सोल्डिंग हटाई है ये है, तो इस आईसी को एक बार ये देखिए हट चुकी है और आईसी की यहाँ पे सोल्डिंग हो रही है। इस बार इसको भी हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हमने सोल्डिंग को रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस आईसी को यहाँ से निकाल लेंगे, निकल गए, ठीक है। इस आईसी का नंबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप आईसी का अगर नंबर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ TEA 2025। अब हमें 2025 आईसी के अंदर डालनी है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आईसी हैं अवेलेबल है 2025 आईसी, ये देख सकते हैं, जो कि ट्रायंगल की ओरिजिनल आईसी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल एक आईसी को डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे दो पीस अवेलेबल हैं, तो पहले आईसी को सेट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में कटिंग देख सकते हैं, ऐसे ही ब्रैकेट में कटिंग वहाँ पे है पीसीबी पे, और आपको बिल्कुल ऐसे ही लगा देनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिट कर दी है आईसी, इसके ऊपर ये हीट सिंक लगा देंगे, ठीक है। ये हीट सिंक लगी हुई थी इस पे, ये हीट सिंक का काम कर रही है तो लोहा वैसे, ठीक है। अब इसके यहाँ पे सोल्डर करेंगे, इसको सोल्डर करने के बाद दोस्तों साफ भी करेंगे। और फिलहाल मैं सोल्डिंग इस तरह से कर रहा हूँ, साफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी साफ कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोल्डिंग है वो हो चुकी है, हम फिर भी साफ कर लेंगे इसको, ठीक है। अब एक बार पहले चेक करा देते हैं आपको। तो ये कनेक्टर लगाया हमने, ठीक है, आप देख सकते हैं कनेक्टर लग गया। उसके बाद बेस का कनेक्टर लगा देंगे, फिर एक बार इसको ऐसे ही हल्का सा बंद कर लेंगे, जिससे कि बेस का जो वो है हमारा एक बार चेक हो जाए, एक बार चेक हो जाए तो उसके बाद देख लेंगे। देखो अब जो है जैसे हमारा सेट ऑन हुआ ना, देखो इसमें अभी क्या हुआ कि इसमें बेस का जो वो है ना वॉल्यूम पे, उस पर अभी आवाज़ आई थी। अभी हम मोड चेंज करेंगे, तो अभी FM चला इसके अंदर, अभी ब्लूटूथ भी देखेंगे। देखो तो बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है बटन। ये देखो हमने NCS सॉन्ग प्ले कर दिया इसके अंदर, ये देखो। अब देखिए वॉल्यूम बंदी करते हैं, ये बंदी हो गई, ठीक है, ये तेज कर ली, ये देखो इट्स परफेक्टली वर्किंग कर रहा है दोस्तों। तो अगर आपकी सैटेलाइट की बंद हो गई है तो पहले आपको यही चीजें चेक करनी है। पहले आपको देखना है कि आपका जो कनेक्टर लगा हुआ है मेन कनेक्टर, उसे हटा करके, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बंद करके दिखाता हूँ। अब तो परफेक्टली ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले यही करना है, आपको कार्ड का कनेक्टर हटाना है, ठीक है। कनेक्टर हटा के आपको बेस के या मिड के जो भी आप स्पीकर नहीं चल रहे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके बाद आपको सप्लाई चेक करनी है, आईसी पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर आईसी पे सप्लाई आ रही है तो
उसके बाद में दोस्तों अगर सप्लाई आ रही है तो हमें ऑडियो चेक करनी है आईसी की। अगर आईसी की ऑडियो भी नहीं आ रही तो आपको आईसी चेंज कर देनी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। थैंक यू।